मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में जो हमारा फिजिकल का पार्ट्स चल रहा है उस पर ये बहुत शानदार बातें होने वाली हैं। नो डाउट्स कुछ ही टॉपिक्स और बचे हैं, इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल्स में बात करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में मतलब महाद्वीपों से संबंधित बातें होंगी जो अलग अलग प्रकार से बहुत शानदार हैं अपने आप में। तो दोस्तों फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर वीडियो को, क्योंकि यहाँ से बहुत 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 महत्वपूर्ण पार्ट्स आपके लिए हैं। क्या कह रहा है दोस्तों चक्रवात? आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चक्रवात से संबंधित है। साइक्लोन क्या होता है अभी पता चल जाएगा दोस्तों, और हर एक छोटी छोटी बातों को हम अच्छे से करेंगे और सारी बातों को ध्यान में रख करके करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, बातें करते हैं, देर नहीं करना है। जी हाँ, चक्रवात साइक्लोन, देखिए दोस्तों जो चक्रवात होता है, पहली बात तो आप यहाँ से समझिए, अगर आप पवन को समझे होंगे तब फिर आपको चक्रवात समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने क्या कहा था कि दोस्तों जो गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है, गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। ध्यान समझते जाइएगा, वायु कहते हैं, गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। यही वायु जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निश्चित दिशा में गति करती है तो इसे ही पवन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पवनी सीधे नहीं चलती है, ये याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब बहुत महत्वपूर्ण, चलती किस कारण है, वायु किसके कारण पवन का रूप लेती है, तो ये ताप और दाब के कारण। कारण क्या है दोस्तों, ताप और दाब है, दाब और ताप के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, ध्यान से समझिए, अधिक दाब से कम दाब की ओर पवने चलती हैं, कम दाब की ओर या कम तापमान से अधिक तापमान की ओर। इतना अगर आपको पता हो जाए तो बस हो गया, अब कहानी बस समझ में आ जाएगी चक्रवात में भी। देखिए दोस्तों पहले स्थल पर समझ लेते हैं फिर उसके बाद जल में चलते हैं, क्योंकि चक्रवात जल से संबंधित है। जैसे दोस्तों क्या है, ध्यान समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इस स्थान पर मान लीजिए स्थल है पूरा, अभी मैं स्थल पर समझा रहा हूँ, ठीक है, स्थल पर, इस स्थान पर मानिए टेम्परेचर क्या हो गया दोस्तों, हाई हो गया, सूर्य का प्रकाश पड़ा, टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर क्या हुआ, लो हुआ।
अब आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा दोस्तों? आसपास के क्षेत्रों मतलब इससे लगे हुए क्षेत्र, टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, प्रेशर हाई होगा, जाहिर सी बात। दोस्तों यहाँ टेम्परेचर जब हाई होगा तो प्रेशर कब हुआ, कम कैसे हुआ, ध्यान समझिए। दोस्तों जो पृथ्वी पर ऐसे वायु है वह अपना गैसों का मिश्रण जिसे कहते हैं वो दाब लगाती रहती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा, तो दोस्तों टेम्परेचर हाई हुआ होगा और गर्म होने के कारण क्या होगा, यहाँ से वायु क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। जब उठ जाएगी वायु, जो गैसें हैं वो हट जाएंगी, तो वहाँ का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप ही बताइए, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूँ, स्टूडियो में, अगर मैं इस रूम से चला जाऊँ तो जो मेरा दाब इस पर लग रहा है वो तो हट जाएगा ना। आप ही समझिए, आप जहाँ बैठे हैं अगर वहाँ से आप हट जाएंगे तो वहाँ का दाब थोड़ी लगेगा। आप जान रहे हैं ना कि जब भाई आप चले गए तो दाब काहे का, जब आप बैठे हैं तो दाब लग रहा है, आपका कुछ ना कुछ वजन है भाई, इसलिए दाब लग रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको समझना चाहिए था, इसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या है, समझना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, तो पास का टेम्परेचर क्या था, अर्थात कम है, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर कम है, ठीक है, प्रेशर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई है, ऐसे है चारों तरफ, मतलब इसके ये देखिए। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या है, अर्थात जो वायु है वो पवन के रूप में इधर चलना प्रारंभ कर देगी, ठीक है, इधर चलना क्या कर देगी दोस्तों, प्रारंभ कर देगी। जब चलना प्रारंभ कर देगी दोस्तों, तो अब देखिए जब वायु अर्थात यहाँ पर केंद्र के पास आ रही हैं, तो एक दूसरे से क्या होता है, जब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो दोस्तों क्या करेंगे, ये टकराना शुरू कर देंगी, एक दूसरे से क्या करना शुरू कर देंगी, टकराना शुरू कर देंगी, और एक सर्किल नुमा आकृति का यहाँ पर निर्माण होगा, ऐसे, ठीक है, ठीक है, एक सर्किल नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम जब सतह पर ऐसा होता है, पृथ्वी के स्थल पर ऐसा होता है, तो दोस्तों हम क्या कहते हैं उसको, बवंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं, याद रखिएगा, बवंडर। तो बवंडर कहा जाता है, बवंडर का मतलब आपने देखा होगा गर्मी के दिन में विशेषकर, कभी ठंडी के दिन में बवंडर देखे हो क्या? कभी जिंदगी में नहीं देखे होगे। क्यों देखोगे ठंडी में दोस्तों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जब अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तभी क्या होता है दोस्तों, बवंडर का निर्माण होता है। बवंडर का मतलब आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे विशेष करके, नहीं अगर आप, जी हाँ दोस्तों, कहाँ से नहीं रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर दोस्तों आप बिहार, ऐसे क्षेत्रों में जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ऐसे राज्यों में जब अगर आप रह रहे होंगे तो देखे होंगे गर्मियों के दिनों में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बनता है ऐसे चक्री नुमा में, ठीक है, चक्री के नुमा में बनता है, और बनने के बाद ये क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, जिधर निम्न दाब होता है, ठीक है, जिधर निम्न दाब होता है दोस्तों उधर ही को ये जाता है। तो कहने का मतलब वहाँ पर क्या करता है, बहुत दूर तक धूल कण, ऊपर की ओर पन्नी, ठीक है, जो पाया, पत्ता, पेपर, कुछ भी पाया, उसको ऊपर उड़ा ले जाता है सर्किल से ना, ऐसे, उसी को गाँव में बौंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौंगर। यह क्या होता है दोस्तों, स्थल पर निम्न दाब होता है, ये स्थल पर क्या होता है, निम्न दाब होता है, यहाँ से जान लीजिए। तो जब पृथ्वी की सतह, मतलब ध्यान समझिए, जब पृथ्वी की सतह या फिर स्थल पर कहीं पर निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो और वहाँ पर एक चक्री नुमा की आकृति का, जी हाँ दोस्तों आप जान लीजिए, चक्री नुमा आकृति का आकृति बनती है और वह तेजी से ऊपर, नीचे की चीजें ऊपर की ओर फेंकता है ना, देखे होंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, बवंडर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, बवंडर कहा जाता है। तो इस तरह ये स्थल में होता है।
अब इसी तरह जब जल में बन जाता है दोस्तों, तो उसी को चक्रवात कहते हैं, क्योंकि आकृति कैसी है, चक्री नुमा है। आकृति कैसी है, चक्री नुमा। जो माताएं बहने गांव में देखे होंगे, दाल को अर्थात करती हैं चक्री में, या गेहूं का या फिर चना का, जी हाँ दोस्तों देखे होंगे ना माताएं बहने, अर्थात है, तोड़ती हैं या पीसती हैं, तो कहने का मतलब उसी तरह यहाँ पर रहता है। ठीक है, दरना भी बोलते हैं कभी कभी गाँव में, तो इसको जान लीजिए। अब स्थल से हो गया है, जल से समझ लीजिए। ठीक है, अगर जल से समझ लिए तो समझो फिर मजा ही मजा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऐसे जल का क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी अभी। बेटा बना लीजिएगा बढ़िया से, अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे जल है, ठीक है, ये ऐसे जल है। चलिए, ये ऐसे जल है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ऐसे क्या है, ये जल है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, जल में चक्रवात तभी बनता है जब क्या है दोस्तों, जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक हो। ठीक है, चक्रवात हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चक्रवात, चक्रवात तभी बनता है जब जल का मान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। ठीक है, जिस भी जल के पार्ट में जहां पर भी इतना अधिक तापमान बनेगा वहां पर ऐसी स्थिति बनेगी। दोस्तों देखिए भाई, मान लीजिए यह जल है और जल पर यहां पर टेम्परेचर हाई हुआ, सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ा, ये प्रकाश है यहाँ, जब प्रकाश पड़ा तो यहाँ का तापमान हाई हो गया और प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ का तापमान क्या हो गया, हाई हो गया और प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, फिर उसी तरह स्थल की तरह ही याद रखना, इधर क्या होगा अर्थात टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा। ठीक है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, मतलब इसके आसपास क्षेत्रों में ये स्थिति बननी ही बननी है, याद रखिएगा, नहीं ये जान लीजिए। कोई भी है, मान लीजिए अगर एक घर क्या होगा दोस्तों, कभी भी जैसे अच्छा बन जाएगा तो लाख नकल कर ले दूसरा घर, उससे फीका ही रहेगा,
याद रखिएगा, लाख नकल, या तो उससे अच्छा बन जाएगा या तो दोस्तों फीका रहेगा, कभी सेम टू सेम चीज़ें नहीं आती। यहाँ चिंकी और मिंकी की कहानी नहीं चल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, सेम टू सेम हूबहू जल्दी नहीं होता है, ये जान लीजिए। कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, कभी दीवार फटेगी तो कभी दीवार में कमी रहेगी, कभी प्लास्टर सही नहीं होगा, कभी कुछ होगा, स्थल सही नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अर्थात है जो जल की राशि है वह गति धीरे धीरे करना शुरू कर देगी सब, ठीक है, याद रखिए। ऐसे एक आकृति का निर्माण करेंगे, ठीक है, सब हो ये जान लीजिए। और करने के बाद जब ये आपस में केंद्र के पास मिलेंगी जा कर के, तो यहाँ पर ऐसे सर्किल नुमा आकृति का निर्माण होगा, ठीक है। जब सर्किल नुमा ऐसे आकृति का निर्माण जल में होगा तो इसी को चक्रवात कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नीला रहेगा, क्यों, क्योंकि जल में है तो मैं नीला बनाने जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जल में चक्रीनुमा आकृति का निर्माण होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, चक्रवात कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा वेग होता है तो ये भी क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, ये बातें समझना चाहिए, ठीक है। चलें भैया आगे आए। अब देखिए, जो चक्रवात होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समझ आया ना। चक्रवात जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आइए एक एक करके बातों को सब समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से समझिए हर बात को, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, ठीक, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, नंबर सेकंड शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इसको लिख लीजिए तो फिर मैं एक बड़ा सा मैप बना करके समझाता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर यह है आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है। विषुवत रेखा के 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ में जो चक्रवात आते हैं दोस्तों, विशेष करके आता तो 23.5 डिग्री है, लेकिन यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, तो इनमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भारत में जो ज़्यादा चक्रवात आता है वो कौन सा है, तो भारत में, जी हाँ दोस्तों, 90% चक्रवात उष्ण कटिबंधीय से है, ठीक है। मतलब भारत में याद रखना 100% चक्रवात उष्णकटिबंधीय है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। बाकी इसके ऊपर जो 66.5 डिग्री तक है, इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ,
66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ में चक्रवात जो आते हैं उनको याद रखिएगा दोस्तों। क्या कहा जाता है, यहाँ से बातें समझना चाहिए, उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनको कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इतना तो आप जान गए होंगे, ठीक है, इतना तो आप जान गए होंगे कि ये भी उष्ण वाला क्षेत्र है और ये भी उष्ण वाला क्षेत्र है, ये आपका शीतोष्ण है, ये भी आपका शीतोष्ण है। इसको बना लीजिए दोस्तों, फिर इन्हीं पर अब एक एक करके हम लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे चक्रवात की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं कि चक्रवात की परिभाषा क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा ये मोटी मोटा देख लीजिएगा, नहीं पूछ ले और कहीं आपको पता ना हो तो हमारा बेइज्जती करवा दे आप। एग्जाम में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन। आइए, चक्रवात निम्न दाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात निम्न दाब का क्षेत्र होता है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसके केंद्र में सबसे कम दाब तथा बाहर अधिक दाब होता है, बाहर अधिक दाब होता है। जैसे दोस्तों क्या है, यह चक्रवात है, ठीक है, यह चक्रवात है। कहने का मतलब केंद्र में अगर दाब क्या है 980 है तो इससे बाहर 990 होगा, फिर इसके बाहर 1000 होगा, फिर इसके बाहर 1010 होगा, फिर इसी तरह 1020, 1030 ऐसे दाब बढ़ता जाएगा। सबसे कम दाब कहाँ है, केंद्र में, निम्न दाब जो मेन है वो केंद्र में है, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। तो इस तरह की बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न मान लीजिए पूछ ही ले, नहीं कहा जाता कहीं, तो फिर आप कह दे अरे सर तो हमको बताए ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हर एक बात पता चले। आगे आइए दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हेडिंग बनाइए उष्ण ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है वह कहाँ आता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्यान से देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय
कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में, अच्छा यहीं पर लिख करके समझाएं क्या, चलिए ठीक है, दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं, अक्षांश के मध्य, ठीक है ना दोस्तों, आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं, याद रखिएगा नहीं, यहां से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है, यह चक्रवात व्यापारिक पवन के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण यह महाद्वीपों और देशों के पूर्वी भाग को प्रभावित करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ठीक है, पूर्वी भाग को प्रभावित करते हैं, इस चक्रवात के समय तीव्र वर्षा होती है। और जो चक्रवातों के समय वर्षा होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, याद लिख लीजिएगा, वाताग्री वर्षा, फ्रंटल रेन कहा जाता है, वाताग्रीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, तीव्र वर्षा होती है। ये बातें आपको बहुत शानदार हैं, इनको समझ जाइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो तटीय भाग है भारत का, और थोड़ा सा शीतोष्ण कटिबंधी कारण वर्षा होता है तो भी बता देंगे वो, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही आते हैं जो अधिकतर क्या होता है दोस्तों, सितंबर से दिसंबर माह के अंत में आते हैं, तक आते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आते हैं जो अधिकतर सितंबर से दिसंबर माह तक आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ऐसा क्यों कहोगे सर, क्या कह रहे हैं,
टेम्परेचर तो हाई हमारे यहाँ कब होता है? मई जून जुलाई में होता है, ठीक है, और सर बता रहे हैं सितंबर से। तो दोस्तों यही तो कारण है ना, आप समझ जाएं तभी तो मज़ा आ जाता है। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, ये है भारत, ठीक है दोस्तों। जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, आपको पता होना चाहिए जो जल है ना वह देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो जब सूर्य नीचे जाने लगता है तब जा करके आपके आसपास के क्षेत्र का टेम्परेचर जो है जल का हाई होता है, याद रखिएगा। इसी कारण, यही कारण है कि जो ठंडी के दिनों में मुंबई हन में आप महाराष्ट्र हन में चले जाइए तो दोस्तों क्या होता है कि भैया वहाँ गर्म ठंडी नहीं है, कोई ठंडी नहीं है। आप चले जाएंगे तो लोग टी शर्ट, जो आपके यहाँ जैकेट स्वेटर इत्यादि पहन के लोग घूमते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, टी शर्ट पहन कर लोग घूमते हैं गर्मियों के दिन में। कारण यही है, कारण यही है कि ये गर्म होता है क्षेत्र। क्यों? क्योंकि सागरीय पार्ट है ना दोस्तों, तो कारण आप जान गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब शीतोष्ण चक्रवात को लिख लेते हैं। अच्छा एक और चीज जान लीजिएगा, विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास चक्रवात नहीं बनते हैं, चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ कॉरिओलिस कॉरिओलिस बल कार्य करता है, ठीक है, कॉरिओलिस बल के कारण होता है, इसी कारण यहाँ नहीं, ठीक है। चलिए आगे आइए दोस्तों, शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यह चक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं, 30 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं, ये बातें हैं। आगे देखिए दोस्तों, यह चक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 66 डिग्री के मध्य आते हैं दोस्तों, तो यहाँ से भी देख लीजिएगा। चलिए शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, आगे देखते हैं, जानना चाहिए आपको बहुत शानदार बातें हैं। बहुत शानदार बातें क्या हैं? महत्वपूर्ण बातें यह हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो शीतोष्ण चक्रवात है, यह चक्रवात
तो दोस्तों एक इमरजेंसी कॉल आ गया था, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। यह चक्रवात पछुआ पवन के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसलिए यह पश्चिमी भाग को प्रभावित करते हैं, किसके देशों और महाद्वीपों के करते हैं, ठीक है। पश्चिमी भाग को प्रभावित करते हैं, यह चक्रवात पछुआ पवन के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए यह पश्चिमी भाग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पश्चिमी भाग के क्या है, प्रभावित करते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। शीतोष्ण चक्रवात, यह चक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 66 डिग्री के अक्षांश के मध्य आते हैं। यह चक्रवात पछुआ पवन के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए यह पश्चिमी भाग को क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं, ठीक है। पश्चिमी भाग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, ठीक है। ये जानना चाहिए आपको, है नहीं, यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। एक चीज जान लीजिए दोस्तों, शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है ना, शीत ऋतु में भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसमें यही मुख्य रोल अदा करता है। पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण ही होता है। कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। पंजाब में होता है, ठीक है, हरियाणा में, फिर आपका कहाँ होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ आपका दिल्ली जैसे में, यहाँ पर ऐसे वर्षा होती है ठंडी के दिनों में, यही कारण होता है। इसी वर्षा को धन वर्षा भी कहा जाता है, कभी कभी यही विनाश रूप ले लेती है जब ओले पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में और आपका जम्मू कश्मीर में जो ओले पड़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ का कारण होता है दोस्तों, उसमें यही कारण भी है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से चीज़ें नोट कर लिए होंगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, अभी हमें और बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। दिशाओं को लेकर के अभी बात करना है और शायद की पॉइंट भी अभी आपको बताना है। दिशा क्या होती है, चक्रवात की दिशा, हेडिंग बनाइए चक्रवात की दिशा। चलिए चक्रवात की दिशा क्या है दोस्तों, यहां से समझते हैं। जैसे आप कहनी यह है पृथ्वी, ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा, ठीक है। यह आपकी है कर्क रेखा, मतलब ये छोड़ दो अभी, उत्तरी गोलार्ध है। देखिए दोस्तों दिशा क्या होती है, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवातों की दिशा होती है वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, ये याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध
दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाले को भी कहते हैं, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, कहने का मतलब क्लॉकवाइज होती है। ऐसा क्यों होता है? फेरल के नियमानुसार जब कोई अर्थात पवन दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो याद रखिएगा वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। जब दाईं ओर मुड़ेगी तो दोस्तों ऐसे निर्माण करेगी ना, और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आती तो ये बाईं ओर मुड़ जाती, जब बाईं ओर मुड़ेगी तो ऐसे आकृति का निर्माण लेती है। तो इसीलिए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं वह कुछ इस दिशा में बनते हैं, ठीक है। ये है इनकी दिशा, याद रखिएगा जो दिशा है ये है, ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिशा ऐसे है, याद रखिएगा, कहने का मतलब ऐसे है। तो इस तरह दोस्तों यह आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ से भी समझ गए होंगे आप तो। आइए आगे देखते हैं, चक्रवात के केंद्र को, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है, चक्रवात की EYE क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, आई कहा जाता है। बातें समझ में आई? चक्रवात के केंद्र में वर्षा नहीं होती है, केंद्र में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। आगे चक्रवात की गति का मापन टी स्केल से किया जाता है, टी स्केल से किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न अगर बनता है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए, चक्रवात तभी बनता है जब 27 डिग्री या उससे अधिक तापमान हो जल का, तापमान हो किसका, जल का। चलिए आगे आइए दोस्तों, यहाँ से भी देखते हैं, बहुत शानदार बातें हैं। अब देखिए चक्रवात का कहाँ क्या क्या नाम जाना जाता है, नाम, ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। भारत हो या फिर श्रीलंका हो या फिर दोस्तों बांग्लादेश हो, ऐसे देशों में चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, चीन में इसको टाइफून कहा जाता है, फिर आपके जापान में, चीन हो गया, हांगकांग हो गया, इस तरह के देशों में, जापान में इसे टाइफू कहते हैं, बात समझ रहे हो ना। ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली कहते हैं, बिली बिली कहते हैं, याद रखिएगा। कैरेबियन सागर में जो चक्रवात आता है, कैरेबियन सागर अमेरिका, याद रखिएगा, USA, ठीक है, उसको
टार्नेडो कहते हैं, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी या फिर दोस्तों आप कहानी जो कैरेबियन सागर वाला बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए गानी, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी के क्षेत्र में जो आता है उसको टार्नेडो एली कहते हैं। टार्नेडो एली नदी में भी चक्रवात बनते हैं, ठीक है, सागर और नदी दोनों में, ठीक है, याद रखना। फिर आपका एक हरिकेन का नाम सुने होंगे, मैक्सिको और फ्लोरिडा में आता है हरिकेन, मैक्सिको और फ्लोरिडा जैसे क्षेत्रों में, यूएसए का जो पार्ट है फ्लोरिडा, ठीक है, यूएसए, ठीक है, यहाँ पर जो आता है उसको हरिकेन कहते हैं, याद रखिएगा। और जो हरिकेन आता है दोस्तों वह आपके नी जून से लेकर के 30 नवंबर के मध्य आता है, ठीक है, कब, जून से लेकर के 30 नवंबर के मध्य आता है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप जान चुके होंगे यहाँ पर। अब देखिए जो टार्नेडो है इसको किससे मापते हैं दोस्तों, टार्नेडो को आपको, तो इसको मापने के लिए एक कहाँ है दोस्तों, जो आपने नाम सुना होगा, कौन सा अर्थात भैया यंत्र है मापने के लिए, यह है फुजिटा स्केल। कौन सा, फुजिटा स्केल, टार्नेडो दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवातों में से एक है टार्नेडो, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे जो है आपका नहीं जो हरिकेन है, हरिकेन को सिंपसन से मापते हैं, किससे, सिंपसन से नहीं, ठीक है, ये जान लीजिए। यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनको हमने आपको सॉल्व कर दिया है दोस्तों, याद रखिए। अब देखिए चक्रवात बनते कहाँ नहीं है, ठीक है, चक्रवात तो इधर, चलिए ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बता दिए हम, चक्रवात जो अच्छा दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली चक्रवात कहाँ आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वह आपके नी टार्नेडो वाले पार्ट में ही आते हैं, इतना तो आपको पता ही हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महासागर में और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। जब ठंडी जलधारा तो तापमान गर्म हो ही नहीं पाएगा। सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं, सर्वाधिक चक्रवात पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं, ठीक, पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें थी, अब थोड़ा सा प्रति चक्रवात के बारे में देख लें तो फिर हमारा यह सेशन आज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हमारा आज यहीं पर सेशन समाप्त हो जाएगा। प्रति चक्रवात जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है, एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात में क्या होता है दोस्तों,
केंद्र में दाब ज्यादा होता है, केंद्र में दाब ज्यादा तथा बाहर कम होता है, याद रखना। जैसे ये एंटी साइक्लोन हुआ तो इसके केंद्र मतलब बाहर अगर 900 दाब है तो आपका इधर 920 होगा, इधर 940 होगा, इधर 960 होगा, इधर 1000 भी हो सकता है। कहने का मतलब दाब ज़्यादा रहेगा केंद्र में। बात समझ में आई? प्रति चक्रवात के समय, प्रति चक्रवात के समय समय मौसम साफ होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात के समय क्या होगा दोस्तों? मौसम साफ होता है, जबकि चक्रवात के समय जब अच्छा वर्षा होती है। आप देखे होंगे बहुत सारे चक्रवात आते हैं। अच्छा, सर्वाधिक चक्रवात जो आते हैं आपके, वह भारत के पूर्वी वाले पार्ट में ज़्यादा आते हैं, याद रखिएगा। यानी पश्चिमी में कम आते हैं, लेकिन पूर्वी में बहुत ज़्यादा चक्रवात बनते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है दोस्तों, ये जान लीजिए। तो मैंने मतलब तमिलनाडु राज्य बहुत प्रभावित है, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका नहीं पश्चिम बंगाल, ठीक है। केरल भी है इसमें, याद रखिएगा, नहीं कि ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ा सा भाग केरल का भी है जो खूब प्रभावित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रति चक्रवात की दिशा, ठीक है। प्रति चक्रवात की दिशा क्या होती है? जैसे क्या होता है दोस्तों, यह पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो प्रति चक्रवात क्या होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात की दिशा, इसकी जो दिशा होती है वह उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। बस फर्क इतना है, याद रखिएगा। ये उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो ये थी सारी बातें चक्रवात से संबंधित जो हमने बातें कर ली हैं। तो आज यहीं तक, दीजिए हमें यहीं पर इजाज़त। आप सभी का स्नेह प्यार हम पर बना रहे, और दोस्तों फिर आगे इसी तरह भी सिलसिला जारी रहेगा, हर एक पार्ट्स पर अच्छे से बातें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों।